नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारे ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां सुपर संडे में लोकसभा चुनावों के छठे चरण के मतदान है, वहीं इस सुपर संडे यानी कि आज शाम को दो चिर प्रतिद्वंदियों के बीच महामुकाबला है। जी हाँ, आईपीएल 2019 का फाइनल आज मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स है। यह मुकाबला शाम करीब 7:30 बजे शुरू होगा और चेन्नई और मुंबई की टीमें आमने सामने होंगी। दिल्ली कैपिटल्स को क्वालिफायर 2 में हराकर यहां पर चेन्नई की टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। हालांकि क्वालिफायर 1 जरूर आ रही है चेन्नई मुंबई से, लेकिन बड़ी बात यह है कि चेन्नई जिस तरह से कंसिस्टेंट टीम रही है, ज्यादातर फैन फॉलोइंग भी चेन्नई की देखने को मिलती है, इवन मुंबई की भी है, लेकिन जिस तरह से चेन्नई और मुंबई के बीच हमेशा प्रतिद्वंद्वता देखने को मिली है, इतना आसान नहीं है दोनों ही टीमों के लिए एक दूसरे से जीत पाना। हालांकि चेन्नई की टीम का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है आईपीएल के सभी सीजन में, 8वीं बार चेन्नई की टीम यहां पर फाइनल में पहुंची है। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो हमने आपको पहले भी बताया था, हेड टू हेड मुकाबलों में यहां पर दोनों टीमों के बीच 27 मुकाबले हुए, जिसमें 11 में से चेन्नई ने जीत दर्ज की है और 16 में मुंबई ने बाजी मारी है, यानी कि मुंबई का विनिंग परसेंटेज ज्यादा है। मुंबई का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी जिस तरह के चतुर कप्तान हैं, वाकई में इतना आसान नहीं है। अब दोनों टीमों की अगर बात करें तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, किस खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है, इस बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर चेन्नई और मुंबई ये सुपर फाइनल है, यहाँ पर आप किसी और खिलाड़ी पर दाव नहीं लगा सकते। बड़ी बात यह है कि यहाँ फाफ डुप्लेसी और शेन वॉटसन ने जिस तरह से क्वालिफाई 2 में प्रदर्शन किया है, दोनों ही खिलाड़ी जो है ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर सुरेश रैना, 4 नंबर पर हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, 5 नंबर पर अंबति रायडू, 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 7वें नंबर पर ड्वेन ब्रावो, 8वें नंबर पर दीपक चाहर, 9 और 10 यहाँ पर हरभजन सिंह और इमरान ताहिर के बीच, और 11 नंबर हो सकता है कि वो किसी और खिलाड़ी पर दाव लगा दें। बड़ी बात यह है कि हो सकता है शार्दुल ठाकुर भी इस मैच का हिस्सा हों। अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो ये वाकई में हो सकता है कि चेन्नई के पास एक बेहतर ऑप्शन के साथ चेन्नई जाना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में मुकाबले अब तक काफी मैचेस हो चुके हैं। फाइनल में हम बहुत ज्यादा रनों की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन इतना उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ एक मुकाबला ऐसा होगा जो बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकता है दोनों टीमों को। अब बात करते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम पूरी तरह से ऑलराउंडर से भरी ये टीम है। क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा लय में आ चुके हैं, तो ये दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। 3 नंबर सूर्य कुमार यादव 3 नंबर खेल सकते हैं। 4 नंबर की अगर बात की जाए तो ईशान किशन, 5 नंबर कायरन पोलार्ड, 6 नंबर हार्दिक पांड्या, 7 नंबर कृणाल पांड्या, 8 नंबर की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, 9 नंबर की बात की जाए तो दीपक चाहर, 11 नंबर की बात की जाए तो लसित मलिंगा जबरदस्त फॉर्म में वापस आ चुके हैं, एवरग्रीन खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप टीम को खेलना है, तो आईपीएल के फाइनल से पहले इस तरह की चीजें जो है कयास लगाए जा रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फिलहाल हम नहीं कह सकते, क्योंकि भैया दोनों ही टीमें बहुत मजबूत हैं, लेकिन चेन्नई इस बार उस लय में नहीं दिखी है जिस लय के लिए चेन्नई चाहनी जाती है, और मुंबई इंडियंस का इंजन जो है वो कहते हैं कि आईपीएल के बीच में स्टार्ट होता है, पहले मैचेस हारेंगे और उसके बाद एकदम से पूल टॉप करके जो है फाइनल में पहुंच जाएंगे, कोई पहली आदत नहीं है। मुंबई तब भी फाइनल जीत चुकी है जब वो लगातार 5 मैचेस हारी थी स्टार्टिंग के। अब ये देखना है कि चेन्नई क्या मुंबई पर भारी पड़ती है, क्या महेंद्र सिंह धोनी का दाव सही पड़ेगा, या फिर मुंबई इंडियंस की टीम जो है यहां पर बाजी मारेगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कौन सी टीम बाजी मारेगी, कौन जीत सकता है यहां पर बेहतर तरीके से मुकाबला, और कौन आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी अपने घर लेकर जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।